दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्निकल सिंगरौली को और प्रेस करो इस घंटे को ताकि आप सबसे पहले वीडियोस देख पाए। हाँ दोस्तों, होम थिएटर के बेस को बूस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जो मेरा ओरिजिनल बेस है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ये है हमारा, अभी गाना मैंने प्ले किया है अभी अभी, तो आप देखिए ये ओरिजिनल बेस है, ठीक है। और बूस्ट करने के बाद मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि बूस्ट करने के बाद इसका साउंड कैसा आएगा। काफी डिफरेंस समझ गए कि कैसे हम इसके बाद कैसे आवाज आएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, हमें क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हम मैं बताऊंगा, गण बताऊंगा, ठीक है। तो आगे गाने को मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है, और पावर कट कर देता हूँ। हाँ दोस्तों, बेस को बूस्ट करने का राज हमारा है ये बॉक्स। अभी आप देख सकते हैं ये बॉक्स को मैंने बनाया है, बहुत ही टाइटली बनाया है, इसे कसा है ताकि ये इसके स्पीकर से कहीं कुछ भी अलग साउंड ना करे। ये आप देख सकते हैं इसमें ये स्पीकर क्वालिटी आप देख सकते हैं कैसा है। ये थोड़ा बेस टाइप में स्पीकर है, 8 इंच की स्पीकर है, तो आप 8 इंच के स्पीकर को यूज़ करो और एक बॉक्स में उसे कस दो टाइटली। याद रहे यहाँ देखेंगे आप तो मैंने कील से ठोक दिया परमानेंटली, इसलिए ठोका है ताकि ये हल्का सा भी हिले नहीं और बजते टाइम ये आवाज़ ना करे। तो अब ये बेसिकली ये आप देखा जाए तो ये बहुत ही मस्त एकदम बेस मारता है, इतना अच्छा मारता है ना कि मैं आपको बैक साइड में दिखाना चाहूँगा। और सॉरी, बैक साइड नहीं, शायद वो वाला मैंने फेंक दिया क्या, यही है वो बॉक्स। हाँ ये आप देखेंगे, यहाँ मैंने पेपर चिपकाया है। रीज़न ये पेपर चिपकाने का ना, क्योंकि ये देखेंगे ना बेस इतना तेज मारता है कि लकड़ी देख रहे हैं, पूरा यहाँ से पूरा सड़ गल के सब एकदम फट के बाहर निकल रहा है। ये लकड़ी में टूट चुकी है, सड़ चुकी है, फिर फट चुकी है, सिर्फ बेस के वजह से इतना तेज बेस मारता है कि लकड़ी में फट चुका है। आप देखेंगे यहाँ पे हल्का सा भी गैपिंग मैंने नहीं छोड़ा, पूरा एकदम अच्छे से फेविकॉल से एयर टाइट के एकदम अच्छे से बनाया है ताकि एयर ना निकले, ये सब सड़ के निकल रहा था, इसलिए मैं ये वाला पोजिशन में नीचे रखता हूँ ताकि बेस पे कोई अलग से इफेक्ट ना पड़े। और अब इसका वायर हमने जोड़ा कहाँ है, अब ये देखिए ये जो है ये नहीं बसता, इसका तार मैं निकाला हुआ हूँ, सिर्फ ये बसता है, सिर्फ इसका तार मैं जोड़ा हुआ हूँ। और इसका तार ये ग्रीन वाली वायर है, देखिए ये ग्रीन वाली वायर, और दूसरे वाले स्पीकर का मैं तार नहीं जोड़ा है, ये निकला हुआ है, ठीक है। और इसका ग्रीन वाला है, बड़े वाले स्पीकर का ग्रीन वाला वायर है, और ग्रीन वाला वायर आप देखेंगे ये होते हुए हमने दे दिया होम थिएटर के अंदर, ले गया हूँ। अब होम थिएटर के अंदर मैं क्या करने को ले गया हूँ, पहले अब ये दिखाने के लिए मुझे इस होम थिएटर को खोलना होगा। तो होम थिएटर को खोलने के लिए ये हमारा होम थिएटर है, मैं इसे खोलने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं पिन सीन सब निकाल लूँ और इसे हम खोलेंगे। हाँ तो मैंने अब खोल चुका हूँ, मैं इसे बाहर निकालूंगा। ये आप देखेंगे तो ये किट है मेरा और ये बेस अंदर में दिया हुआ है। देखिए बेस का मैंने अलग से वायर जोड़ा हुआ है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये मैंने क्यों जोड़ा है, एक्चुअली ये बेस ख़राब हो गया था तो मैंने इसे रिपेयर किया था। तो अभी मैंने जो ये वाला वायर है, ये वायर हम ये हमने ये जो बेस में सीधे गया है कि ये वाली वायर आप चाहे तो देख सकते हो दोस्त, ये निकला हुआ है, ठीक है। तो बेस का ये वायर है जो मैंने बॉक्स में अलग से जोड़ा हुआ हूँ। तो ये वायर मैंने जोड़ा कहाँ हूँ, एक्चुअली मैं ये वायर आप देख सकते हैं, ये मेरा किट है, ये मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ हूँ, ठीक है। यानी कि जो ये वाली वायर है, ठीक है, यानी कि जो ये वाली वायर है ना, ये जो ब्लैक वाली वायर है, ये ओरिजिनल बेस का वायर है जो इस बेस में लगा हुआ है, जो मेरे इसके बॉक्स के अंदर जो बेस लगा है ब्लैक वाला, ये इसका वायर है, ठीक है, ये ब्लैक वाला। तो ये ब्लैक वाला इसका वायर है, अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये कन्फर्मली देखिए ये इसका वायर है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जो ये वाली वायर है, इस वाली वायर को भी हमने इसी में जोड़ दिया है, देखेंगे आप ये इस साइड में, ये इस साइड में मैंने ये जोड़ा है और इस साइड में ये है। तो देखा जाए तो दोनों मैंने पैरेलल में जोड़ दिया हूँ। तो इस ऐसे ही आप अपने होम थिएटर को बेस जो रहता है उसे आप बूस्ट कर सकते हो, उसका साउंड बढ़ा सकते हो। बस एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि इसका जो क्वालिटी है स्पीकर का वो 1 नंबर का होना चाहिए। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान देना, क्योंकि ये जरूरी है,
होता क्या दोस्तों कि ये बेस आना बंद हो चुका है, और ये वाला आपका जो होम थिएटर है ये आना बंद हो चुका है, और जिन भी लोगों के पास में ये होम थिएटर है बहुत पुराना है। तो ये पुराना होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो है ये आपका बेस बढ़ाने वाला कंट्रोलर है, आप देख सकते हो ये एक ट्रिब्लर का बेस का और ये मास्टर का, ये दरअसल हाँ ये दरअसल खराब रहता है। तो इन तीनों को आप रिपेयर कर दे तो मतलब नया लगा दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको इसके अंदर दिखा देना चाहता हूँ, ये आप यहाँ से खोलोगे ना तो ये खुल जाएगा, ये देखो। तो मैंने किया ये ना कि मैं रिपेयर करना ही चाहता था कि मुझे इसका काम ही नहीं है, तो आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे एक भी काम नहीं करता है क्योंकि मैंने इसे डायरेक्टली मैंने जोड़ दिया है यहाँ से। आपको ये आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है दोनों एक है, मैंने एक में सोल्डर कर दिया है, देखे दोनों तो मैंने एक में सोल्डर कर दिया है। बेस वाला काम करता है, बेस वाला सही है, तीन वाला काम करता है, मैंने नया लगा दिया था, और ट्यूबलाइट वाला भी ये भी काम करता है, लेकिन जो मास्टर है वो काम नहीं करता क्योंकि ये बहुत अजीब खन 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 जैसा आवाज़ निकालता था, कभी धीमा कभी तेज, इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली रिप्लेस ही कर दिया। तो ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेशन कि हम किस तरह से अपने इसको बेस को बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करना भूलिएगा, लाइक जरूर ठोकिएगा पसंद आया हो तो। देख रहा हूँ मैं आजकल आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हो वीडियो को, लाइक जरूर करो यार, पसंद आया तो लाइक करो, मुझे तो मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने जो बनाया है आप लोग पसंद आया कि नहीं आया। सो गुड बाय फ्रेंड्स, हम कल फिर मिलेंगे कुछ स्टार्टिंग वीडियो के साथ में, सो बाय बाय।